नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी को आप अपने घर पर किस प्रकार उगा सकते हैं। ये कच्ची हल्दी मैं 4 महीने पहले लेके आया था और मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया। अब देखिए, इसमें छोटी छोटी बड्स बनी हुई हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये 17 जून को शूट की गई थी और उसी दिन मैंने इनको मिट्टी में लगा दिया था। और आज का भी मैं अपडेट दिखाऊँगा कि आज 35 दिन बाद इनका क्या अपडेट है। जून के महीने में इनमें बड्स बनना शुरू हो जाती हैं, यानी जून से लेकर अगस्त सितंबर तक आप इनको ग्रो कर सकते हैं। इन सभी में बहुत ही अच्छी बड्स निकली हुई हैं। ये देखिए, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ इनको कैसे ग्रो करना है और कैसी मिट्टी में इनको लगाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपडेट दिखाने वाला हूँ कि इनको कैसे मैंने ग्रो किया है और इनका क्या रिजल्ट है। इनके बहुत ही हेल्दी पौधे बन जाते हैं जिनकी हाइट 2 फीट से भी अधिक हो जाती है। इसलिए आप जितना इन पौधों के बीच में अधिक गैप रखोगे, उतनी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। चलिए दोस्तों, इनको ग्रो करते हैं और डायरेक्ट इनको मिट्टी में दबाएंगे। इनकी जो ये बड्स हैं, इनको ऊपर रखना होता है। जब हम इनको मिट्टी में दबाते हैं तो इनको अधिक गहराई तक नहीं दबाना है, अधिक से अधिक 2 या 3 इंच की गहराई में ही इनको दबाएँ। मिट्टी में इनको दबाते हैं तो इनकी बड्स टूटनी नहीं चाहिए। मैंने इसकी मिट्टी को पहले से ही तैयार कर लिया था। इसमें मैंने 2-3 दिन पहले पानी दिया था और उसके बाद देखिए अब ये सूख गई है और इसमें अभी भी नमी बनी हुई है। इस प्रकार की मिट्टी में आप इनको ग्रो करोगे तो ये जल्दी ग्रो होंगी। इनको मिट्टी में दबाने के बाद इनमें अधिक पानी नहीं देना है, अधिक पानी से ये गल जाती हैं। इस प्रकार हम इन सभी को मिट्टी में दबा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड्स है इसको हमेशा ऊपर ही रखना है। इन सभी को मैंने एक लाइन में लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने इनको लगा दिया है और अब मैं आपको इनका अपडेट दिखाने वाला हूँ। आज 35 दिन बाद इनका क्या अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इनके छोटे छोटे पौधे बनने लगे हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि इनके कितने पौधे तैयार हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके पत्ते भी निकलने शुरू हो गए हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी लगभग 1 फीट से भी ज़्यादा हो जाता है और ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और भी देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, एक ये पौधा तैयार हो गया है। इसके तो 2 पत्ते निकल आए हैं और अब इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये भी देखिए दोस्तों, इसमें भी एक नया पौधा निकल रहा है। अब धीरे धीरे ये सारे पौधे निकल आएंगे। एक ये पौधा निकला था और ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, ये इसका पत्ता टूट गया है और अब नए पत्ते निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो गए हैं। एक ये पौधा देखिए, कितना हेल्दी पौधा तैयार हो गया है। जब इन पौधों में 3 या 4 पत्ते निकल आएंगे तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। गमले में यदि आप इन पौधों को लगा लेते हैं तो ये एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे और इन पौधों के नीचे हल्दी भी ग्रो होंगी। जैसे जैसे इनके नए पत्ते निकलते जा रहे हैं, उतने ही ये पौधे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा पौधा तैयार हो गया है। इस प्रकार आप अपने घर पर हल्दी ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।